भारत में देखा जाए तो खून की कमी से पीड़ित महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जिसके कारण एनीमिया डिसीज हो जाती है। खून की कमी ना हो इसी को देखते हुए आज हम आयरोसॉर्ब टैबलेट के बारे में बात करेंगे। आयरोसॉर्ब टैबलेट क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। आयरोसॉर्ब एक ऐसी आयरन टैबलेट है जो आयरन की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही फास्ट काम करती है, मतलब हीमोग्लोबिन के लेवल को बहुत जल्दी बढ़ा देती है, जिससे आप एनीमिया डिसीज से बच सकते हैं। एनीमिया डिसीज बहुत ही गंभीर बीमारी है, अतः यदि आप इसका सही समय पर उपचार नहीं करते हैं तो इस बीमारी से आपकी जान भी जा सकती है। ये मेरे हाथ में आयरोसॉर्ब टैबलेट है, ये आयरोसॉर्ब का ब्रांड दिया गया, ये बताएगा इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए इसके कंपनी की बात करें तो ये मैक्लर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें होता है फेरस स्कॉर्बेट 100 mg एवं फोलिक एसिड 1.5 mg होता है। चलिए इसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और MRP की बात करें तो ये इसकी MFG मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 6/2018 है एवं एक्सपायरी 5/2021 है। चलिए इसकी MRP की बात करें तो ये 108.70 रुपये की पूरी 10 टैबलेट होती हैं। चलिए मैं निकाल के बताता हूँ आपको इसके टैबलेट के, ये देखिए इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और ये 10 टैबलेट की पैकिंग में आती है। ये मैक्लर्स जो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है, एक विश्वसनीय कंपनी है, इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें और इसको, यदि आपको आयरन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके यूजेज के बारे में बात करें तो आयरोसॉर्ब टैबलेट किसी भी तरह की खून की कमी को दूर कर सकती है एवं एनीमिया जैसी डिसीज को होने से रोकती है। यदि आपको मेगाली ब्लास्ट एनीमिया तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। आपको फोलिक एसिड की कमी है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की खून की कमी है, वीकनेस हो रही है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। इसका ओडी डोज होता है, इस टैबलेट को दिन में एक बार खाना खाने के बाद सादा पानी से लेना है। यदि आपको रात में लेते तो रात में ही लें कंटिन्यू, और यदि आपको दिन में लेना है, दोपहर में लेना है, तो आपको दोपहर में ही कंटिन्यू इस टैबलेट को लेना है। चलिए इस गोली के साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। करें तो आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के आपको नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको हीमोग्लोबिन से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस टैबलेट का, आयरोसॉर्ब टैबलेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, हो सकता है वे आपके लिए एक हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए एडवाइस कर दें, क्योंकि यदि आप में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो ही आप इस टैबलेट का यूज करें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।